खोदा ने कास
रसूल अल्लाह आपको भेजा। देखो देखो देखो, जब अच्छी शायरी होती है तो सिर्फ पब्लिक की गुब्बारे बजाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। खुदा ने पास में नेमत बनाकर आपको भेजा, खुदा ने पास में नेमत बनाकर आपको भेजा, ना होते आप तो हम हाथ फैला रहे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, होते आप तो हम हाथ फैलाने का न होता गुंबद खज़रा तो दीवार। देखो कोई बात नहीं, 10-20 ज्यादा या कम चले, फटाफट काम। हाँ कोई बात नहीं, सब मेरे भाई हैं, सब कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता। ना होता गुंबद खज़रा तो दीवार। इमाम साहब, आपको सिर्फ 5 वक्त के लिए थोड़ी इमाम माना है, बताओ 5 वक्त के लिए माना है कि हमेशा के लिए माना है? बड़ी बड़ी, अरे एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और देखता हूँ कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। जल्दी से काम करूँ। ना होता गुंबद खज़रा तो दीवाने, तो आपकी आवाज़ आ जाए, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ना होता गुंबद खज़रा तो दीवाने, कहाँ जाते बचाते 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 नागर इस्लाम को शब्बीर कर। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, दोबारा पढ़ दें। देखो ये जो रात गुजरी है ना, ये जो रात गुजरी है नागपुर में था, और अभी आपके पास, और कल की रात मेरी उड़ीसा में रहे, परसों कलकत्ते में रहे, जो
मिलके पढ़िए ना होता गुंबद खसरा तो दीवाने कहाँ जाते बचाते नागर इस्लाम को शबीर कदबर में श्री वो लोग बोल देंगे जो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बाकी दूसरे लोग सब तो पढ़ता हूँ सुनिए उसी मुनासिबत से उसी तरीके से आप सरकार इमाम हुसैन का रोजा बना के अपने घरों में और ये जो खुराफाते हैं ना उसको थमाना उसको डुबोना कितनी गंदी बात है यार। उसको तो इमाम हुसैन का रोजा करते हो दरिया में डुबो के आते हो जान उस पर बैठे हो नमाज गलत है तो ऐसा मत कीजिए यार। वही
वही करिए, वही कीजिए जिसकी इजाजत शक्ति देती है, है कि नहीं? तो जरा मिलके पढ़िए। ना होता मेरे मेरे आका मेरे मौला बोलो कभी होने नहीं देंगे, मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे। मगर ईमान का सौदा
आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर अच्छा दोबारा पढ़ दे, मिल के पढ़िए। गुलामों का कफन मेरा कभी उन्हें नहीं देंगे, नबी के हवाले नबी पर जा दे देंगे, मगर ईमान का सौदा। जो छोटी छोटी बेटियां बहने हैं ना, सबके गुट्ठी में ये शेर खिला है कि नहीं? तुमने अगर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लफ्ज फातिमा और नाम फातिमा सिखा दिया तो समझ लो कभी तुम्हारी रुसवाई नहीं हुई। हाय हाय, क्या बात, क्या देख से पढ़ पढ़। आज अगर तुम आप हम तो गिफ्ट ले, सुनिए बात सच्ची होगी तो दाद दीजिएगा, वरना सब आपस ठीक है। मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे, रदाए फातिमा जिस बेटी को हासिल है, रदाए मगर आप नाराज नाराज, इससे पहले मैं शायद आपके यहाँ ये तीसरी बार मैं आपके घर में आ रहा हूँ, दोबारा पढ़ते हैं सुनिएगा। गुलामों का कफन मेरा कभी होने नहीं देंगे, मिलके पढ़िए। मगर ईमान का सौदा बोलो कभी होने नहीं देंगे, पहुंच कर करे बला। ऐसे ही सुनेंगे आप यार, हमारे ऊपर अगर कोई एहसान करते ना दो चार दस हजार रुपए का तो उसके नाम के नाम उसके नाम के नारे लगा सकते हैं। बताओ लगाते नहीं लगाते उसका नाम लेते हैं। बहुत प्रतीक आदमी है, बहुत मुखैर आदमी है, बहुत बहुत दिलदादा आदमी है, बहुत बहुत यादा सुखी आदमी, न जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन कसम खुदा की इस्लाम की गर्दन पर इमाम हुसैन का एहसान है। तो शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा।
पूरा कभी होने पूरा बोलो होने नहीं देंगे। और हो सके तो खामोश रहकर सुन लेना, लेकिन दिल पे लग जाए तो आवाज निकाल देना। हमें तुम लाख कोशिश कर लो भारत से भगाने की। सुनोगे ना तो मैं अगर कसम भी रखूंगा कभी बोलो। हमें तुम लाख कोशिश कर लो भारत से भगाने की। हमें तुम लाख कोशिश कर लो भारत से भगाने की। मेरे खाजा पिया ऐसा, मेरे खाजा पिया ऐसा कभी होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए कर्बला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे बाजा पिया ऐसा बोलो कभी। हाँ तो उठा के पढ़ लीजिए। गुलामों का कफन मेरा कभी होने नहीं देंगे। चलो पढ़ देंगे इंशाल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ सुनिए। उसकी सोई होई तकदीर जगा देते हैं, 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 उसकी सोई होई तकदीर जगा देते हैं। मुस्तफा जिसको भी दीदार कराते। करा देते हैं मुस्तफा जिसको भी दीदा करा देते हैं। मौजिज़ा बद्र के मैदान में देखा सबने। क्या बात है, क्या बात है। देखो इस्लाम की पहली जंग जानते हैं आप कौन सी है? 313 थे। और उस मौके पे हुसैन के नाना ने जो दुआ की थी ना, कायनात में कोई नहीं कर सकता। जानते हो हुसैन के नाना ने क्या कहा था? ऐ रब, मोहम्मद की सारी पूंजी ही 313, अगर ये आज बुझ गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। बताओ कोई ऐसा कह सकता है हुजूर के अलावा? तो हुजूर ने टहनियां तोड़ के हाथों में पकड़ा दिया था सहाबा को। और जब वो काफिरों के गर्दनों पे पड़ी है गाजर और खीरे की, वाह तो शेर सुनिए और मोहब्बतों के साथ सुनिए। मौजिज़ा बद्र के मैदान में देखा सबने, मौजिज़ा बद्र के मैदान में देखा सबने, मौजिज़ा बद्र के मैदान में देखा सबने, मुस्तफा लकड़ी को तलवार पर। वाह 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 वाह।
तलवार बना देते हैं मुस्तफा लकड़ी को तलवार बना देते हैं मुस्तफा लकड़ी को तलवार बना देते हैं। अरे पढ़ो ना भाई मुस्तफा लकड़ी को तलवार बना देते हैं अपने नाम। हाँ ठीक है चाय पिलाओ और जितने भी जायज चीज है पीने वाली किसी को चाय और पानी और शरबत समझ के मत पियो। हर पीने वाली चीज को सबीले हुसैन समझो काम का काम हो जाएगा सवाब मिल जाएगा। सबीले जब तक जिंदा रहेंगे क्या काम है ने? सबीले जब तक जिंदा रहेंगे अली असगर से शर्मिंदा था बहुत अच्छा है कि तो शेर सुनिए अपने नाना की शरीयत के लिए करबल में अपने नाना की शरीयत के लिए करबल में बल्ला मैंने अपनी आंखों से करबला देखा मैंने अपने और इन्हीं पैसों से देखा है जो आप मुझे देते हैं कसम खुदा की बता रहा हूं जिसने करबला नहीं देखा है ना उसने कुछ नहीं देखा। अपने नाना की शरीयत के लिए करबल में अपने नाना की शरीयत के लिए करबल में अपने नाना की शरीयत के लिए करबल में जाके शबीर बहादुर को कहता हम रजा वाले लगा करके रजा का नारा हम रजा वाले लगा करके रजा का नारा हम रजा वाले लगा करके रजा खिला देते हैं दहर में होता भी ना काम बेटा कैसे यार जिनके वालदैन जिंदा है ना मैं उनको कहूंगा कि अपने वालदैन की खिदमत कर बहुत बड़े मराठी होते हैं जिनके वालदैन जिंदा है अल्लाह पाक आप सबको सलामत जिनके दुनिया से रुखसत हो गए हैं सरकार इमाम हुसैन की इस महफिल के सदके में उनकी बार बार मगफिरत कर जरा आमीन कहो यार अल्लाह पाक उनकी कब्र को रोशन कर उनकी कब्र को कुशादा कर गुंबदे बदसरा की जानिब उनकी कब्र में खिड़की खोल शेर सुनिएगा दहर में हो तभी ना काम बेटा कैसे दहर में हो तभी ना मुस्तफा लकड़ी को तलवार
मुस्तफा नबी को तेरा बना देते। देखो मैंने 30 मिनट कहा था आपसे, मतलब घात नहीं कहा था, 15 मिनट मैंने आपका और ज्यादा ले लिया, 45 मिनट हो गया मुझे, तो मैं आपसे अब माफी चाहूंगा उस 15 मिनट के लिए। बहुत सारी सुनिएगा रुतबा, देखो सारे चलेगा जितने हो सकता, मेरी बोल है जिसको बोलना है, कसम खुदा की मानो हुसैन के नाम के जो सवाल है खामोश हो जाए है ना, कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ ये मानो हुसैन की खैरात है कि हमारे और तुम्हारे घर के चूल्हे जल रहे हैं। बात सच्ची है तो जरा हाथों को उठा के आप जाओ से जाओ से जाओ से सुनिएगा सरदार हो जाए। अरे यार सीने की ताता लगा, हम बहुत सपाट पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, कभी जहाँ स्विंग होती है ना इन स्विंग आउट से जहाँ होती वहां पे आके बैटिंग करो फिर पता चलेगा ताता लगाओ सीने की और ऊपर जाओ मेरे। ये फिर आवाज फख्र करते हैं अंबिया जिस पर, बारह नबियों ने ये तमन्ना की थी काश यार हुजूर की उम्मत में पैदा हो, कितने खुशकिस्मत कुर्बान हो जाए तुम लोग। फख्र करते हैं अंबिया जिस पर, फख्र करते यहाँ जो भी आएगा उसका कभी दिल में तोड़ा
है ना, बहुत अच्छा है यार। उस माइक से बेहतर और इज्जतदार और कीमती क्या होगा जहां से यार हुसैन का नाम लिया गया। आदमी खराब हो जाते हैं यार, ये तो मशीन है, है ना। मेहनत करना सीखिए, अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो समझिए कि जिंदगी से 99% ये सब लड़ाई झगड़े इतने फसाद सा बच जाएंगे। तो मिलके पढ़िए ऐसा नाना अशेर सुनो कलंदर हुसैनी, शेर सुन लो इमाम हुसैन का पहलवान है वो कि नहीं हो, किसी असीदे में गिर जाओगे तो जहन्नमी पहुंचे। तो शेर सुनो देख कर, यार मैं चाहता हूं तुम तक शेर पहुंचा। देख कर जिसको याद नबी देख कर, देख कर जिसको याद एक शेर पढ़ता हूं, कोई सैयद होगा तो उसे माफी मांगता हूं। सुनिए लाश देखी, लाश देखी तड़पते बेटों की, लाश देखी, लाश देखी, लाश देखो हजरत तशरीफ ले आए हैं और 7-8 मिनट और ले लूं मैं आपका। पढ़ 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 हाँ पढ़ देता हूँ, एक शेर और पढ़ दूं इसका, तो मिलके पढ़िए ऐसा नाना मेरे हुसैन का है वो जो भारी, क्या कहा मैंने, वो जो भारी, वो जो भारी है सबके सजदों पे
जिक्रे शहदाई तरबो बया नारे तकबीर। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत से आपने सुन लिया, बहुत मेहनत से आपने सुन लिया। बताओ मैंने मेहनत से पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। एक मतलब पढ़ता हूँ सुनिए, उसके बाद पास आसम जिलानी का एक बार, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम सुनिएगा। शान दी ने हक बताया फातिमा के लाने, शान दी ने हक बताया, शान दी ने हक बताया फातिमा के लाने, 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 सर नहीं सजदा बचाया। और आज के प्रोग्राम का एक पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा मिलके पढ़िए। सर नहीं सजदा बचाया, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाने, हश्र तक हश्र तक सजदा आपके हाथ क्यों नहीं उठ रहे? तुम्हारा कलेजा कैसा है यार? तुम्हारा दिल क्या काला हो गया इमाम हुसैन की शहादत के दिन तुम ढोल बजाते? तो सुनिए मिल के पढ़िए। सर नहीं सजदा बजाया फातिमा के लाने, हश्र तक सजदा न छोड़े आशिका ने बैत, हश्र तक सजदा न छोड़े आशिका ने सजदा बचाया फातिमा के नाले, आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून। इमाम हुसैन के खानदान के सबसे कम उम्र के बड़े बादशाह का जिक्र हो रहा है। आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, आसमां भी कांप उठा जब अली असगर का खून, अपने चुल्लू में उठाया हो गया। अभी एक्स्ट्रा मेरी तरफ से आप गिफ्ट है, बोल कर दीजिए, मिल के पढ़िए।
पढ़ देंगे यार। अच्छा ठीक है, देते हैं। मिलके पढ़ो गौसे पाक के नाम पे। फरमाते हैं कि मेरे मदरसे से जो गुजर जाएगा कल अपना कादिर उसकी शफाअत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो गुजर ही चुका हूँ, अल्लाह पाक आप सबको गुजार देगा। तो मिलके पढ़िए गौसे आज़म जिलानी। जी रानी वो